दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज पर। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस अब मजाक में तब्दील हो गई और वर्दी में पुलिस ऑफिसर्स अपना गलत रवैया दिखा रहे हैं, नौजवान ने लगाया इल्जाम। इस लॉकडाउन के चलते कई वाकयात सामने आए हैं पुलिस ऑफिसर के जुल्म के ताल्लुक से। ये दूसरा वाकया है पुलिस के जुल्म का सामने आया है। जुम्मे की शाम यानी कल मोहम्मद मुकीम मुरादनगर के रहने वाले, उन्होंने कहा कि वो दूध लाने घर से निकले थे बाइक पर, जहां पुलिस ऑफिसर जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हैं, उन्होंने मोहम्मद मुकीम को रोकने की कोशिश की हवा में लाठी फेंककर, जिसके सबब मुकीम की आंख शदीद जख्मी हो गई। पिछले हफ्ते भी ऐसे वाकये देखने में आए हैं, जहाँ पिछली बार भी नौजवान को लाठी से मारा गया और उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो गया था, वो शदीद जख्मी हो गया था। ये वाकया भवानी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया था। मौजूदा लोगों ने गुस्से के आलम में एहतजाज किए और इंसाफ की मांग की। ये हरकत ये वाकये के बाद पुलिस ऑफिसर की जानिब से आवाम के बीच शक पैदा करती है कि क्या वाकई तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है। पहले ही आवाम के बीच पुलिस का खौफ है और अभी तक ऐसे चार वाकये पेश आए हैं पुलिस की जानिब से जुल्म के शहर हैदराबाद में। और ताज्जुब की बात तो यह है कि इस हादसे पर कोई पॉलिटिशियंस ने आवाज़ नहीं उठाई, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आखिर क्यों? उल्टा पॉलिटिशियंस पुलिस की जानिब से इस जुल्म को और बढ़ावा दे रहे हैं क्या, उनकी तारीफ करके या उनकी हिम्मत अफजाई करके? मोहम्मद मुकीम पर पुलिस ऑफिसर के हमले के ताल्लुक से अभी तहकीकात जारी है और इंसाफ ज़रूर करेगी तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस। ऐसे ही अहम और ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मैं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। मैं नगर में रहता हूँ, साथ में दूध लाने निकला था मेरे दोस्त के साथ। दूध लाने निकला था, एक पुलिस गली में से पुलिस वाले आए पटेल डेयरी फार्म गली में से, आके एक जना मारा मेरे को, ऐसा चक्कर आ गया एकदम गाड़ी पे से। मैं गाड़ी रोक के उन लोग के पीछे गया तो उल्ला जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के पूरे पुलिस वाले चले गए। नाजायज जुल्म कर रहे, ज़बरदस्ती का मार रहे क्या, तो भी अब दूध लाने भी नहीं निकलेंगे क्या घर में से? लट से मार दिए बच्ची दबा के, मेरे को एकदम चक्कर आ गए। फिर गलती थी तो उल्ला रुकना था, लेकिन मास्क था सब था, भाग गए उल्ला। मैं जैसा पीछे आते कि एकदम मेरे को चक्कर आ गया, मैं गाड़ी रोक के उन लोगों के पीछे गया भागने, उल्ला जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के चले गए। कहाँ पे किधर मारे, कहाँ पे मारे, किधर मारे? इधर आँख का नहीं मारे, एरिया को मुरादनगर। कौन से एरिया? मुरादनगर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुकीम। मुरादनगर में रहते हो? मुकीम नगर में रहता हूँ। चलो चलो बच्चे उठो। घम बन गया, मार दिया मेरे को, चक्कर आ रही थी। मैं गाड़ी रोक के उन लोगों के पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाते कि गाड़ी में बैठ के पूरे भाग गए। गलती थी तो रुकना था, कहीं को भागे फिर। तो कहाँ पर मारे? ये पटेल डेयरी फार्म पर। कार में मारे ना, इस बैक पे थे, कार में गली में से आए भाई भाग लेते। आप कोई पुलिस वालों को पहचानते किसी का नाम? जो मेरे को मारा उसको पहचानता हूँ मैं। नाम वगैरह कुछ आइडिया? नहीं नहीं, यूनिफॉर्म में था, वाइट कलर का मास्क पहन लेके था। दो पुलिस वाले थे, कहीं आसिफ नगर पीएस का पुलिस वाले? हाँ, आसिफ नगर के थे। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women. IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.